तो राम राम सारे भैया ने। तो आई होप सभी ठीक ही होंगे और अच्छे होंगे। तो भाई अभी मैं जस्ट अपने मकान पे होने वाले पे, और मैं आपको दिखा देता हूँ सामान जो है कितना आ चुका है। ये देखो पीछे भाई ट्राली पड़ी है बनी, और ये म्यूजिक सिस्टम धरा अपने भाई, उसकी लग रही पता नहीं कौन याद कर रहा। तो ये रहा हमारा कुछ सामान वगैरह पड़ा है, अभी तो लगाया नहीं ढंग से। अब और आज हमारे मिस्त्री जी ने इसको भी कंप्लीट कर दिया, जिसके हमारे हम अपने मिस्त्री जी से कई दिन से परेशान थे, इसको और उसको। और भाई करने के चक्कर में इतना सामान दिया, अब वो दोबारा मिट्टी करवानी पड़ेगी। गाइस पिछली वीडियो में आपने देखा, मैंने इंटर में आपको बता दिया था कि मेरे चैनल पे कुछ दिक्कत आ रही है, उसमें मेरा चैनल बच भी सका है और मेरा चैनल जा भी सका है। भाई कुछ पता नहीं मेरा चैनल बचेगा नहीं बचेगा, भाई बहुत मेहनत लगी थी मेरे तो, मेरे तो कोई 1.5 लाख सब्सक्राइबर भी नहीं है, पर भाई जितने भी हैं सभी बहुत मतलब प्यार दिया सभी भाइयों ने। अगर तो भाई चाहे ये चैनल चला गया तो आप ये मत सोच लो वीडियो नहीं आएगी, वीडियो आएगी, पर इसी नाम से दोबारा चैनल बनेगा, यही सब कुछ होगा उसमें भी। पर भाई दुख होगा यार अगर जो चला गया तो, प्लीज़ प्रे करें, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि मेरा चैनल भाई जाए ना, मेरा चैनल वापस आ जाए। यार मैं बहुत दुखी हूँ, मैं सुबह से यही चीज़ सोच रहा हूँ यहाँ पर लेट के कि भाई मेरा चैनल बचेगा कैसे। अब भाई उस पर यार दिक्कत आ रही है घनी कहड़ी, भाई मैं बहुत परेशान हूँ यार सुबह से कि मेरा चैनल बचेगा नहीं बचेगा। यार रात आई थी वो दिक्कत, और भाई मैं उसमें कुछ कर भी नहीं सकता, तो वीडियो वाडियो तो गिर सके उस पर अभी, तो उस पर वीडियो गिरेगी भी ना गिर पाए पता नहीं, कुछ गिर गई तो गिर दूंगा, नहीं तो गिर भी नहीं पाएगी शायद। बाकी वो वाली वीडियो तो गिर दी थी मैंने, उसके बाद ही वो दिक्कत आई यार, फिर नहीं तो दिक्कत ना आती, पर पता नहीं कैसे दिक्कत आ गई आ रही हो, मैं तो कुछ समझ भी नहीं आती भाई, दिक्कत हो रही बहुत ज़्यादा। थोड़ी थोड़ी हरियाणवी सी बोलने लग गया मैं तो, मैं तो मना गणा शौक नहीं हरियाणवी बोलने खतर का। तो अभी लौटती हूँ और टेंशन के मारा भाई ना तो लिया मैं जिम कर का आ गया था, अब मैं भाई दुखी हो रहा बहुत ज़्यादा, मैं करूँ क्या यार मुझे समझ नहीं आ रहा। पापा और मम्मी अभी गए हैं और मामी जी वहाँ गए हैं सोफे लेने के लिए, तो सोफे देखने के लिए गए हैं। भाई मैं तो घर पर पड़ा हूँ अकेला, भाई मैं मन नहीं लग रहा मेरे चैनल की जब से सुनी भाई, अब मैं किस तरीके से बताऊँगा घर पर कि मेरे चैनल चला जाएगा यार आ जाएगा। भाई दुआ करो यार आ जाए मेरे चैनल, जाओ ना भाई चला गया बहुत दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो भाई मेहनत दोबारा से करनी पड़ जाएगी। आप भाई सपोर्ट करोगे तो थोड़ा बात बन सके, नहीं तो भाई चैनल चला जाएगा तुम्हारे भाई का। तो अब की बार अगर जैसे कुछ चला गया चैनल, हो सकता है मैं वीडियोज ही ना बनाऊँ, फिर मेरा मन नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखो भी सब्सक्राइबर इतने मुश्किल से होते मेरे भाई, 5-6 साल में सब्सक्राइबर हुए थे, इतनी अच्छी मेरी वीडियोस भी नहीं चलती, मैं तब भी वीडियो बनाता हूँ, बीच में मेरी वीडियो बन भी नहीं पाई। और भाई मैं नीशु भाई से मिलने के लिए गया था रोहित भाई से, नीशु भाई याद आते हैं बार बार, अब भाई क्या करें दिलों में से यही है बस, उन्हीं की यादें हैं हमारे पास। अब दोबारा भी जाएंगे संडे को उनके पास, बाकी उन्होंने एक बात भी कहा था उनके ब्लॉग में देखा तो कि संडे को आया करो मिलने, भाई केस हो जाता है यार किसी की प्राइवेसी नाम की भी चीज़ है, ख़राब मत करो। तो मेरे जो भी भाई फैंस हैं, जो भी भाई मेरे दिल से भाई सपोर्ट करते हैं तो बात मानना, और जो निशु भाई को सपोर्ट करते हैं वो भी बात मानना। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में बाहर चल के। वेलकम बैक हो चुका आपका अगले दिन में, तो कल तो जो है फिर उसके बाद में घर चला गया था, फिर उसके बाद तो ना आ पाया, फिर कोचिंग लिखा गया था पर ऐसी कंप्यूटर क्लास के लिए तो आ नहीं पाए थे। तो अभी जस्ट अपने मकान पे ही हैं और अंदर चल रहा है वेल्डिंग का काम, और ऊपर चल रहा है पत्थर वाले भैया लग रहे हैं, और उससे ऊपर चल रहा है मिस्त्री का काम, हर एक फ्लोर पे काम चल रहा है। तो चलते हैं अभी आपको दिखाते हैं, आवाज़ आ रही है वो टैल कटने की आवाज़ है, तो चलते हैं अभी आपको दिखाते हैं। जी जी तो ये वेल्डिंग वाले भैया लग रहे हैं, ये काट रहे हैं पाइप, और इनकी ये वाले पाइप कट के जो है पाइप नहीं पत्ती है 1 इंची वाली, ये पत्ती का यहाँ पे फ्रेम बनेगा और उसमें जाली फिट हो जाएगी, तो ये फिर कटने लग रही है इस चीज़ के लिए। अब लेकर चलता हूँ आपको सेकंड फ्लोर पे, वहाँ के क्या काम हो रहा है वो भी आपको दिखाता है, ठीक है? तो काम चल रहा है सेकंड फ्लोर पर दिखाता है आपको। अब तक ये रखी कुछ ख्याल ये क्रैक्स हैं, इनमें से ऐसे ख्याल हैं, ये बात है कुछ इतना हो चुका है बाथरूम। अब चलता हूँ थर्ड फ्लोर पे लेके,
और ये रेलिंग लग चुकी है, आधी आधी रह रही है। थर्ड फ्लोर पे काम अधिकतर हो चुका है, ये भी नहीं देखोगे फिनिश हो गया, प्लस्तर वस्तर सब काम, बाहर प्लस्तर कंप्लीटेड है। और ये यहाँ मसाला बन के, और ये वाली हो चुकी है। मैं आ गया था फिर दुकान पे भाई, और ये देखो सोफे देखने आया हूँ। नहीं सॉरी, ये देखो ये भी, ये वाला ठीक, वो भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है। देख अभी यहाँ पे हमने देख चुके हैं, और देखने के बाद अब चलते घर पे। और ये कुछ मंदिर भी लग रहे हैं, तो मंदिर भी जो अच्छे लग रहे हैं, तो एक आधा मंदिर भी देखेंगे, पूछेंगे मम्मी से पूछेंगे, तो ये वाला बढ़िया लग रहा, पूछेंगे मम्मी से पूछेंगे मंदिर, ये वाला लेंगे या फिर पत्थर का, बढ़िया लग रहा है। देखो बहुत अच्छी स्मेल आ रही, तो अभी घर चलते हैं। ठीक है भैया, थोड़ी देर में बताऊँगा आपको। फिर हम जिम चले जाते हैं, और भाई जिम जाके इतना कैड़ा वर्कआउट करवा देते हैं कि हमारी तो हालत भाई बहुत खस्ता हो जाती है। पर भैया कहने लग जाते कि पहले तुम भाग लो, एक काम करो ट्रेडमिल पे, तो मैं ट्रेडमिल पे भागने लग जाता हूँ। और भागते वक्त भाई मैं सोच रहा था किस हिस्से को कभी मैं पार ना कर दूँ, इतनी देर भाग रहा हूँ। पर भाई मैं ज़्यादा देर भाग नहीं आता, मैं भाग रहा था मात्र 6 की स्पीड पे, भाग नहीं रहा था, तेज तेज चल रहा था। फिर मेरे को कह देते भैया ये वाली टिप टॉप एक्सरसाइज करो, पता नहीं कौन सी कहते हैं इसको। और फिर हमारी वही वाली पुरानी वाली एक्सरसाइज जो हम करते हैं हर रोज, तो इस वाले एक्सरसाइज करके करते हैं हमारे ब्लॉग हो जाएगा यहीं पे ख़त्म। और मिलता है आपको अगली वीडियो में, तो अगली वीडियो में हम जाएंगे कुरार नीशु भाई के भाई रोहित भाई से मिलने के लिए दोबारा से। संडे को हमने कहा था पिछले ब्लॉग में कि हर संडे जा करेंगे, तो बोलो राम राम जी, और मिलते हैं अगले ब्लॉग के।